भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कि हमारा देश आजाद होना चाहिए, लेकिन आगे आने वाला समाज जो है वो किस तरह का रहेगा, तो उनमें उनके मन में एक ही चीज थी कि हमारा देश आजाद होगा तो हर व्यक्ति जो है पूर्ण स्वतंत्रता के साथ वो रह सकेगा, अपने कार्य कर सकेगा। और आज जो है हमें मौका मिला है, समाज में रहते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज में किसी भी तरह की जो उन्होंने उस समय सोचा था कि कुरीति नहीं रहनी चाहिए, उस समय हम लोग गुलाम थे, आज आज़ाद हैं। कोशिश करनी चाहिए कि अपने परिवारों में किस तरह से हम लोग जो हैं ऐसा माहौल बना सकें जिसमें किसी भी तरह की कोई कुरीति ना हो, त्रुटि ना हो। समाज में रहते हुए हम लोग कोशिश करें कि एक ऐसा समाज जो है उसका निर्माण हो जिसमें नशा मुक्त समाज जो है वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जिस तरह से वातावरण बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो उस समय का संदेश है वो है एक अपने समाज को संगठित करके रखना। संगठित समाज जो है हमेशा उसकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। आज भी बहुत सारी शक्तियां जो हैं कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, मैं समझता हूं कि उन चीज़ों के ऊपर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। कोई भी ऐसी शक्ति जो है वो हम पे हावी ना हो पाए, हम लोग संगठित रहें और अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समाज में जितना अच्छा हम काम कर सकते हैं और अपने परिवार को भी उसी दिशा में लेकर के जाएं। सबका एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं, धन्यवाद।